तो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल, धर्म टेक्नो नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं आपके लिए ढाई स्कूल संबंधी दूसरी वीडियो लेकर आज फिर आया हूँ। दूसरी वीडियो को हमने आपके इंडिकेट किया था कि आप जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा, तो आप दूसरी वीडियो मैं तैयार करके रखा हूँ, आप देखिएगा। इसमें आपके प्रश्न कैसे हल करने हैं, पेपर पाते ही कौन से प्रश्न में कौन से छोड़ने हैं, कौन सा किस स्पीड में कैसे हल करना है जिससे आपका समय बच सके, तो आपको इसमें ये समझाया गया है कि कौन से प्रश्न को सबसे पहले करना है। उसको आप पूरा पेपर देखिए, एक पेपर का मॉड्यूल लेकर हमने समझाया है। उस पूरे मॉड्यूल में आपको ऐसे समझाया कि आप अच्छी तरह से हल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और ये वीडियो सेकंड वीडियो है। और कोई भी परेशानी हो, तो कोई भी अध्याय तैयार करना हो, कोई भी अध्याय की सवाल नहीं आती है, कोई भी अध्याय अच्छा से नहीं आता, कोई भी सवाल नहीं समझ आती है, तो आप जरूर कमेंट करिए। इतनी अच्छी बीच से आपको बता देंगे कि शायद आ जाए। जयंती रचनाएँ जो हैं, अगर उसमें समझ में ना आए तो उसको भी बता दीजिएगा, या किसी भी अध्याय पर, चाहे वो कराधान के अभ्यास हो, वाणिज्य गणित, बीज गणित एंड त्रिकोणमिति, कोई भी अध्याय हो सांख्यिकी, आप तैयारी के लिए कमेंट करिए। मैं उसको अच्छा से वीडियो बना डालूँ, उस सवाल पर जो लॉन्ग आंसर होता है उस पर अच्छी सी वीडियो बना के डाल दूँगा, तो आप ज़रूर उसमें उसको आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप कमेंट करिएगा। बाकी तो इस वीडियो को अभी चलिए देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है? तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए जो पहली वीडियो लेकर आया था, उसके बाद आपके लिए ये दूसरी वीडियो जिसका दूसरा पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे हल करना है। पेपर को आप पाएंगे तो सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, और इसमें देख रहे हैं आपकी, जैसा हमने बताया था पहली वीडियो में, उसी तरह। तो इसमें आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना है जो आपका है, और यहाँ पर आपका नाम। उसके बाद आप पेपर को पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपको बीज गणित, वाणिज्य गणित, कराधान, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, जयंती, दिशा जयंती और मेंसुरेशन, सभी अध्याय से आपको प्रश्न किए जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 घंटे 15 मिनट समय ये मिलेगा, जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए, और 70 अंक का मार्क्स होगा। इसमें कुल 7 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्न करना होगा, और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए रहेंगे कि आपको कितने खंड करने हैं इसमें से। तो आप पेपर पाइए लीजिए, इसके बाद सबसे पहले आप पेपर को सीधा पीछे लीजिए, जो हमने बताया था पहली वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको समझाया गया है कौन कौन से प्रश्न हल करने हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, जो हमने इसमें बताया था कि इस अध्याय में ये सबसे पहले आपको ये दोनों ऐसे एक करना है, और दोनों एक ही अध्याय के सवाल हैं। आपको ये अपने अध्यापक से और किसी से भी पूछ लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम इसकी वीडियो बना सकें और अच्छी से आपको समझा सकें, जिससे एक बार आपको समझाने से आपको ये इस प्रकार की रचना या सवाल आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, और आप इसको 2-3 मिनट में आप बना करके हल करके 6 नंबर पा सकते हैं। ये 6 नंबर करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले प्रश्न पर, यानी जिसको का खंड है, इसमें से ये है और उसका पहला पार्ट इधर है, इसको आपको हल करना है। दोनों से ये वाला, चाहे ये वाला इसके पीछे वाला, आपको ये 6 नंबर जो द्विघात समीकरण में से आना है, ये भी आपको पार्ट पढ़ना है, जो हमने उस पहले वीडियो में बताया कि कौन सा महत्वपूर्ण है, ये आपको हल करना है सबसे पहले इसमें का, या तो ये छोटी सी सवाल होगी आपकी, और इसको आप हल करेंगे 6 नंबर पाएंगे, और बहुत ही हल्की सवाल, छोटी ही सवाल होगी। इसको आप हल करके देख करके समझ करके, अगर आपको नहीं समझ में तो इसमें जो भी सवाल समझ में, जिस अध्याय भी समझ में नहीं आता, उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और व्हाट्सएप करिए, जिससे हम आपको बता सकें। उसके बाद आपको हल करना है ये 4 नंबर, इन दोनों में से आप
जो भी आता है उसको हल कीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ के सीधा आप इस पे आइए ऊंचाई दूरी पर, जो हमने बताया इसमें महत्वपूर्ण है। ये 4 नंबर आपको लेना, केवल 20-25 प्रश्न है, आपको पूरी तरह से हल कर लेना है और आपको समझ लेना है। इससे आगे आपको 1 प्रश्न मिलेगा और वो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको बताया था समांतर मध्य, इसमें आपको हल करना है और ये 4 नंबर आपको मिलेगा। इसमें सारणी वाला समांतर मध्य माध्य बताया था, उसी को आपको हल करना है और समझना है, जिससे आपको 4 नंबर मिलेगा। ये दोनों हल करना है, इन दोनों से पहले आपको हल करना है और फिर इधर आ जाइए आप। इन 4 नंबर में देखिएगा तो ये प्रमेय व्यंजक या द्विघात समीकरण में से आ सकते हैं, इनको आप 4 नंबर हल करना है। उसके बाद ये त्रिकोणमिति क्या आपको हल करना है, ये आप नहीं हल करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ये सबसे पहले हल करना है, इन सब को छोड़ करके आपको ये हल करना है। इसमें आपको एक ही प्रश्न मिलेगा और एक ही प्रश्न 4 नंबर का होगा और बहुत ही आसान होगा, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। समझ लेना है आपको कैसे हल करना है, उसके बाद इसको सबसे पहले हल करना है। ये इसी अध्याय का आपको एक सवाल और मिलेगी, जो आपका आगे मिलेगा 2 नंबर में। इतने प्रश्नों को आप सबसे पहले हल करना है। अब जो शेष समय बचता है आप इन सब पर खर्च कीजिए ये सब, और इन सब पर हमने वित्त पर भी चर्चा की थी। वित्त पर आप जो कोण पर बोला था, कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न ये वाला आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा 2 नंबर। ये वाला 2 नंबर मिल जाएगा और यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपको 2-2 नंबर करके इसमें से भी मिल जाएगा। बहुलक एक पढ़ना है आपको, बहुलक आपका एक आएगा, 1 नंबर का ये पढ़ लेना है। उसके बाद जो हम बता रहे थे 1 नंबर के यहाँ पर है, ये प्रत्यक्ष कर की परिभाषा के हिसाब से, और बीज पर व्यंजक बीज गणित का ये सब आना है, इस सबको बाद पढ़ना है। ये है 1 नंबर, ये छूट गया। मध्य क्या तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको प्रश्नों में जयंती रचनक में से आपको रचना करनी है 6 नंबर। द्विघात समीकरण की बड़ी सवाल जो 3H और Y पहली वीडियो में बताया उसमें आप उसको 6 नंबर का ये हल करना है। फिर कराधान का आएगा आपको ये 6 नंबर का, 4 नंबर का और 2 नंबर का रहेगा, ये हल करना है। ऊंचाई दूरी का एक सवाल रहेगी 4 नंबर, ये सबसे पहले इतनी सवाल आपको सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद जयंती वृत्त पर जो कोण पर आएगी सवाल और वो सब सवालें आती हैं जिन करनी, वो बहुत छोटी छोटी सवाल होती हैं, 4 से 6 नंबर तक ये मिल जाएंगे। और त्रिकोणमिति पर सिद्ध करना है ये आपको मिल जाएगी 6 नंबर तक, 4 से 6 नंबर हो सकता है आराम से। और लासमासा जो होगा 4 नंबर तक ये हो सकता है। इंसुरेशन क्या की 2 सवाल होगी और जो 4 से 6 नंबर ये बड़ी सवाल में भी हो, ये इसके बाद आप इसको कर सकते हैं, ये सवाल के बाद ये करिए, उसके बाद ये इन सबको करिए। इस तरह से आप 45 नंबर आप ला सकते हैं, जो कि आपका कितना परसेंट होगा आप समझ सकते हैं। 46 को आप 6 से 7 से डिवाइड करिए, 7×6=42, तो आपका 4 बचा कुल मिला करके आपका 60-65% इतना नंबर इसमें आ सकता है, 65-70% मार्क आ सकता है इतने प्रश्नों को हल करें, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न है केवल। खंड की बात कर रहे हैं, 7 प्रश्न तो केवल पेपर में होंगे पर ये 8 खंड हैं, 8 खंड करना है आपको, 8 प्रश्न केवल इसमें से रहेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा आपका कलेक्शन, पूरा फार्मूला जो आपको करना है, इस तरह से आपको तैयार करना है, इस तरह से आपको करना है। ये पेपर आपको हमने दिखा दिया सही,
और आप इस तरह से इसको आराम से हल करेंगे। तो देखते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसको बताइएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा दूसरा वीडियो? इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए हमने जो मेहनत की है, उसमें जो कोई भी गलती हुई है उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। पर अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें तो 100% आप 50 से 70% मार्क तो 100% पा जाएंगे, मात्र 3 प्रश्नों को हल करके। तो इसमें आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से परसेंट बनाइए। अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो आप भी खुश होंगे और मैं तो खुश होऊंगा कि हमारी ट्रिक्स को अपना कर कोई अच्छा सलाह ले रहा है। दोस्तों, इस ट्रिक को इस्तेमाल करिए और जो कोई अध्याय समझ में ना आए उसके लिए हमें कमेंट करिए, मैं अध्याय समझा दूंगा, सवाल भी समझा दूंगा। और आपको किसी भी जानकारी चाहिए, चाहे कंप्यूटर संबंधी हो, चाहे मोबाइल संबंधी हो, या कोई भी एजुकेशन संबंधी हो, तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि मैं भी टेक्निकल लाइन से हूँ थोड़ा, उसको भी हमने थोड़ा नॉलेज दिया, तो आपको ज़रूर समझाऊँगा और अच्छे से भी बताऊँ, चाहे मोबाइल की हो, मोबाइल की तो भी अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, किसी तरह वीडियो चाहिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई भी हो आप बताइए। आपका जो कोर्स होता है कंप्यूटर संबंधी, उसके लिए भी आपको बता दूँगा कौन सा आपको कोर्स मस्ट अच्छा सा हो सकता है, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आप अच्छा सलाह ले पाएंगे और हमारे चैनल पर जरूर जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कह दीजिए कि हमारे चैनल पर आ जाएं और उनके लिए मैं एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्निकल संबंधी जानकारी हम आते रहेंगे लेकर। तो देखने के लिए वीडियो बहुत ही आपने समझ कर दिया।